इसका आज प्रतीकात्मक सर कलम करूंगा, और ये तलवार निकली है उसका सर कलम करने के लिए, उसकी तैयारी हो चुकी है। यह डीएमके नेता उदय नीति सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जो बयान दिया है, जय श्री राम। प्रतीकात्मक जो है इसका संस्कार कर रहे हैं, और 10 करोड़ की इनाम भी मैंने घोषित किया, जो सर काटेगा नहीं तो मैं स्वयं काटूंगा। उदय निधि मुर्दाबाद, डीएमके नेता मुर्दाबाद। जिस तरह से डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के जो उन्होंने कहा कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है तो प्रतीकात्मक उनका सर कलम किया है और पुतला दहन किया है, और 10 करोड़ रुपए का हमने आज इनाम घोषित किया है कि जो उनका सर कलम करेगा उसको मैं इनाम दूंगा, और एक तलवार हमने आज संवारा है उसको कि अगर नहीं हुआ तो मैं स्वयं भी उस राक्षस का वध करूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का बयान दिए होते तभी तक उनके चिथड़े उड़ गए होते, लेकिन वो जानते हैं कि सनातन धर्म जो है मानवतावादी है, अहिंसावादी है, इसलिए वो सोचे कि बच जाएंगे। और यह INDIA का जो ये महागठबंधन है इसकी ये शुरुआत है। जनता को भी समझना चाहिए कि इनकी पहली बैठक में ही जो है तो देश के लगभग 80% जनता की हत्या करने की इनकी तैयारी शुरू हो गई है। AINDIA का जो महागठबंधन है, महाठगबंधन, उसकी ये शुरुआत है।